पुंछ जिले की मेंढर तहसील कस्बे में आज स्कूली छात्राओं द्वारा विशाल रैली निकाली गई, जिस दौरान उन्होंने बर्मा में मुस्लिम समुदाय के साथ हो रहे अत्याचार को लेकर प्रदर्शन किया। बर्मा में जो मुस्लिम समुदाय के लोगों के साथ हो रहा है उसकी कड़े शब्दों में निंदा करते हुए छात्रों ने मांग की है कि राज्य और केंद्र सरकार आगे आए और उस मुल्क पर दबाव बनाकर बेकसूर लोगों को बचाए। कि बर्मा में जो कुछ भी हो रहा है वो सबके सामने है, कोई पेचीदा बात नहीं है, और वहाँ पर लोगों को ज़बह किया जा रहा है, बच्चों को ज़बह करके वो पका के खा रहे हैं। तो ऐसा जुल्म मेरे ख्याल में, ऐसी दहशतगर्दी किसी मुल्क में नहीं है। वहाँ पर इंसानियत का ऐसा कत्ल हो रहा है कि जिसकी कोई मिसाल नहीं मिलती है दुनिया में। हमें इस चीज़ पर बड़ा अफसोस है कि हमारे प्राइम मिनिस्टर ये ब्रिक्स की मीटिंग से उठे और सीधे बर्मा चले गए, वहाँ इनकी बात हांग सांग चूची के साथ हुई है। तो हमें बहुत ही इस चीज़ का गुस्सा है कि उन्होंने ये खुल के बात क्यों नहीं की कि भाई आप ये दहशतगर्दी जो कर रहे हो इससे बढ़ के दहशतगर्दी कोई नहीं है किसी जहान में। इस पे रोक लगाओ, इस पे रोक लगाओ और इसको बंद करो। जुल्म सुतम जो है हमसे नहीं देखा जाता है, जो भी देखता है, मैं तो कहता हूँ कि मैंने जिस दिन देखा तो मैं खुदा की कसम मैं रात को नहीं सो सका। जिस वक्त यानी थोड़ी सी नींद आई तो फिर वही सामने सीन आता है, तो फिर हमें रात भर वो नींद ही नहीं आती है। तो बाकी के लोग जो हैं उनमें भी तो ऐसा ही है ना। देखें ना, ये ऐसा नहीं होना चाहिए, हमारा यही अर्ज है। लोग जो बर्मा में जो इनोसेंट किलिंग हो रही है, ये जो पूरे मतलब दुनिया के अंदर आवाज़ उठनी चाहिए। हमारा इनिशिएटिव यही था कि अब जो बर्मा के अंदर किलिंग से, चाहे रोहिंग्याज हिंदूज हो या मुस्लिम्स हो, ये जो इंसानियत की किलिंग है ये नहीं होनी चाहिए। जो भी वहाँ पे डिस्प्यूट्स हैं, माना कि वहाँ पे जो भी डिस्प्यूट्स हैं उन्हें जो है यूएनओ को मिलकर, सारी दुनिया को मिलकर सॉल्व करना चाहिए। ये इंसानियत का मसला, और इसी इंसानियत के मसले पर हम इंसान होने के नाते इस प्रोटेस्ट में आए।